तो भाई आज है 5 मई और आज ही के दिन रिजल्ट आने वाला है एक्टिंग और डायरेक्शन का, आपको पता ही है सभी को। तो इसीलिए आज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है एक्टिंग वालों के लिए और डायरेक्शन वालों के लिए। तो आज ना शाम तक चेक करते रहना, वैसे रिजल्ट तो 4-5 बजे के समथिंग ही आता है, आपको पता ही है, लेकिन हो सकता है दोपहर में भी दे सकते हैं, या फिर क्या सर्वर डाउन रहता है ना तो पता चले कि आज खुलता ही नहीं कल सुबह खुलेगा, ऐसा भी होता है किसी किसी साथ, क्योंकि सर्वर गवर्नमेंट की वेबसाइट है तो आपको पता ही है कि सर्वर तो डाउन रहता ही है। लेकिन आज रिजल्ट आ जाएगा, संभावना है पूरी पूरी कि आज रिजल्ट दे देंगे, क्योंकि 15 तारीख से ऑडिशन है एक्टिंग वालों के। तो भाई उनकी प्रिपरेशन वगैरह तो आज रिजल्ट दे देना चाहिए, आज नहीं आएगा तो फिर कल सुबह तक, मतलब संभावना तो यही है कि आज आ जाएगा। लेकिन अगर आज नहीं आता है तो आप कंटिन्यू चेक करते रहना वेबसाइट पे, आपको पता ही है जो दूसरों का जो रिजल्ट मैंने काफी वीडियो बना रखे हैं, तो रिजल्ट कैसे चेक करना, वो रिजल्ट आएगा तब मैं वीडियो बना ही दूंगा, लेकिन आप लोग भी चेक करते रहना क्योंकि आपके थ्रू ही पता चलता है। मैंने तो फॉर्म डाला नहीं था तो मुझे पता चल नहीं पाता है कि रिजल्ट आया है कि नहीं आया, जब कोई मुझे बताता है तभी मुझे पता चलता है, या कोई ग्रुप में बताया जाता है तब मुझे पता चलता है। और डायरेक्शन का भी इंटरव्यू ओरिएंटेशन होना है तो इसीलिए अब रिजल्ट तो जल्दी देना ही है उनको, आज दे देंगे कैसे भी करके, आज रिजल्ट आ जाएगा। और ऑडिशन की प्रिपरेशन भाई अब कर लो, जो आज डिसाइड हो जाएगा किसकी कौन आगे जा रहा है और कौन बाहर हो रहा है, और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा रिजल्ट देखना कि किस तरह से मार्क्स आते हैं, क्योंकि बाकी के तो अच्छे मार्क्स आए, किसी किसी के प्रॉब्लम आई है, लेकिन अगर बाहर करते हैं तो किस वजह से करते हैं, कितने मार्क्स से बाहर रहते हैं वो पता चल जाएगा, लेकिन जितना भी हो सकता है देखना पड़ेगा। तो अपने जितने भी मार्क्स आते हैं ना वो या तो मुझे कमेंट में बता के जाना कि भाई हाँ मेरा सिलेक्शन हो गया, जब मैं रिजल्ट का वीडियो बनाऊँ कि रिजल्ट आ गया है उसमें ज़रूर बताना मुझे कि क्या हो रहा है, या फिर मुझे पर्सनल इंस्टाग्राम पर भी बताना अपना जो भी होता है, जितने भी मार्क्स आते हैं पास होते हैं आगे जाते हो या फिर रह जाते हो, जो भी हो साथ में खुशी और दुख दोनों बांटेंगे। तो इसीलिए भाई सभी लोग बताना जितना हो सके कि यार हमारा सिलेक्शन हुआ या फिर हम बाहर हुए हैं तो किस वजह से बाहर हुए हैं, शायद रिटर्न में क्या गलतियां करी थी जो अगले साल नहीं करनी है। तो ये सारी चीज़ें जरूर मुझे कंटिन्यू बताना और शाम तक चेक करते रहना, शाम तक कैसे भी करके रिजल्ट मुझे लगता है कि आज आ ही जाएगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।